ट्रेनिंग हम उनको ये देते हैं कि जो लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं ना उनका अकाउंट हैंडल करना, क्योंकि इन्वेस्टर जो भी है जो इतने सारे पैसे लगा रहा है एक अकाउंट बना रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना अकाउंट हैंडल करे, ना उसके पास एक्सपर्टीज है कि मैंने क्या बेचना है अमेजोन पे, कैसे बेचना है। हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या बेचना है और कैसे बेचना है। ये वाली सर्विसेज दे के बच्चे $300-400 एक क्लाइंट से 50-60 हज़ार रुपये महीने का ले लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बैठ के भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं आमतौर पर फाइवर फ्रीलांसिंग वेबसाइट। इसमें आपका कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट है या वैसे ही आप तबलीग जमात वालों की तरह गश्त करते फिर रहे हैं? हमारा इंस्टीट्यूट भी है लाहौर में। अच्छा। लेकिन हमारा जो मेन वो जैसे आपने बोला हम गश्त भी करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम शहरों में जाते होता है उसमें नहीं हम डिफरेंट शहरों में मीटअप करते रहते हैं, जैसे अभी कराची आए कल यहाँ पे था, अभी फिर पिशावर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, फैसलाबाद जाएंगे, फेसबुक पर अनाउंस कर देते हैं 2 दिन पहले कि हम इस शहर में आ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लोग आते हैं पूछते हैं सीखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तबलीग वाले तो कहते हैं हम लोगों को नमाजी बना लें, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको क्या मिल रहा है? हमें फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद हो जाती है। नहीं सवाब के अलावा पैसे भी मिल जाते हैं। कैसे मिल? जो हमारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम पेड ट्रेनिंग्स करवाते हैं वहाँ पे हमें पेड स्टूडेंट्स भी आते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा फोकस है कि बस बच्चे इस काम की तरफ आएँ, हमें इससे क्योंकि ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, जूम पे होती है, हमने एक दफ़ा लेक्चर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, अब वो जितने मर्जी लोग देखें हमारे उस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। यानी बुनियादी इसका फलसफा ये है कि घर बैठे बैठे लोगों के पास अर्निंग का, बिजनेस का एक जरिया आ जाए। जी बिल्कुल। मार्केट से चीज़ उठाई नेट के जरिए बेची कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। या खुद उठाई और खुद बेच दी, या अगर खुद के पास पैसे नहीं है जो उठा के बेचना चाह रहा है उसको सर्विसेज दे दी कि जी मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं आपका अकाउंट हैंडल कर लेता हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं कि आपको क्या बेचना चाहिए ऑनलाइन। इसका प्रॉपर कोई कोर्स है आपके पास? हाँ जी 2 से 3 महीने का डेली बेसिस पे उसमें रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास पूरा, हमने उसका बनाया हुआ लेक्चर्स का, तो वो अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे दे कोई भी बच्चा तो वो 2 से 3 महीने में सीख जाता है इसको। अच्छा, यानी वो वीडियोस देखने से ही सीख जाएगा? हाँ जी वीडियोस देखने से। प्रैक्टिकली भी अगर हमारे पास आना चाहे या वो वीडियोस के जो लेक्चर इंग्लिश में हैं उर्दू में? उर्दू में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बनाए गए हैं ज़ाहिर है तो वो उर्दू में। बिल्कुल। एक ऐसा यानी जिसकी ज़हनी सतह बहुत कम लेवल की हो, एजुकेटेड बच्चा ना हो, मैट्रिक पास कर लें, आठवीं पास कर लें, तो आप क्या समझते हैं वो लेक्चर सुन के वो उसमें ये स्किल पैदा हो जाएगी? जब तक इंग्लिश कुछ बेहतर नहीं होगी तब तक काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स जो होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं गोरे। अब आपने उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपने अपने जो आपका क्लाइंट है उसको बताना है जी आज मैंने आपके लिए ये काम किया, वो आपने उसको इंग्लिश में बताना है, तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी इंग्लिश बुनियादी ज़रूरत है। जिसको इंग्लिश बोलनी आती हो तो इंग्लिश सिखा के इतने पैसे कमा लेगा? नहीं अभी फिर आपको आइडिया नहीं है कि अमेज़ॉन के सर्विस में कितने पैसे हैं, इस पर माशाल्लाह लोग बड़ी अच्छी अच्छी अर्निंग करते हैं। अच्छा सही सही सही, ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें ज़्यादा फ़ायदा मेरा ख्याल है ख़वातीन को बहुत हो सकता है, तो बहुत घर से बाहर निकले बगैर बिल्कुल एक बाइज्जत रोज़गार, वो बाइज्जत रोज़गार घर में बैठे बैठे वो हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल, तो बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा मकसद मदारिस में इसको फैलाने के लिए, क्योंकि मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल तरावी पढ़ाता हूँ, मेरा वाले साहब इमाम मस्जिद है, मेरा एक मजहबी बैकग्राउंड है। तो आप मदारिस का सर्वे कर रहे हैं आजकल? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मदारिस में हम गए हैं, और उनको जो भी बच्चे किन किन मदारिस में जा चुके हैं अब तक आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो प्रॉपर काम कर रहे हैं वो महदुल फ़कीर के साथ कर रहे हैं, पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के इदारे से। अच्छा। वहाँ पर भी कर रहे हैं मौलाना तारिक मीर साहब, अभी उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी रमज़ान से पहले उनके इदारे के लिए भी, और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इदारे हैं। जामतुल रशीद भी जाना हुआ आपका? नहीं जामतुल रशीद नहीं जाना हुआ, दारुल उलूम हम कल गए थे जी, वहाँ भी हमारी मीटिंग हुई। तो इरादा है जामतुल रशीद जाने का? जी बिल्कुल है, इसीलिए आपसे मुलाकात का भी एक मकसद ये भी था कि हम बिला तफरीक हम चाह रहे हैं कि हर जगह पर यह मैसेज पहुँचाया जाए कि जो मदरसे के बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि बस निकलेगा तो इमाम मस्जिद बनेगा सिर्फ, हम कहते हैं कि इमाम मस्जिद तो वो हो लेकिन उसके पास लैपटॉप हो, उसके पास सिस्टम हो, वो फ्री लांसिंग करता हो, किसी का मोहताज ना हो। माशाल्लाह। हदीस में है ईमानदार ताजर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा, तो जब ताजर का ये हाल है तो जो ताजर बनाने की मशीन हो ठीक है, जो लोगों को जायज़ तजारत सिखा रहा हो, तो आप खुद सोचें कि अगर आपकी नीयत सही होगी तो कितनी फजीलत की, और ख़ास तौर पर ऐसे तबके को जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत नेकी का काम। हमारे यहाँ होता ही है कि नॉर्मली इस तबके को इग्नोर किया जाता है जी। मैं क्योंकि खुद इस तबके से हूँ,
मुझे पता है कि मदारिस के बच्चों की क्या महरूमियाँ होती हैं, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर नेमत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस तबके से मैं निकला हूँ उस तबके को ख़ास तौर पर मैं आगे लाने। तो जो लोग वो वीडियोज़ देखना चाहें वो क्या प्रॉपर एडमिशन उनका होगा, और जो आपकी वीडियोज़ हैं जो आप बता रहे हैं कि घंटे की एक डेढ़ घंटे की दो महीने तक क्लासेज हैं, जी जी, तो क्या प्रॉपर एडमिशन या YouTube पे वो नहीं, वो YouTube पे कुछ YouTube पे पढ़ी है, लेकिन हमारा एक अलग से पोर्टल है जहाँ पे हमने तरतीब से रखी है हर लेक्चर, तो वो हमारी वेबसाइट है hafizahmed.pk, वहाँ पे जाके बच्चे रब्ता करते हैं, हम उनको पोर्टल की एक्सेस दे देते हैं जी, hafizahmed.pk जी, तो हम वहाँ पे बच्चे कहते हैं जी हमें एक्सेस चाहिए, हम उनका ईमेल एड्रेस लेते हैं और उन्हें अपने पोर्टल की एक्सेस दे देते हैं कि आप यहाँ पे जाके तरतीब से वीडियोस पढ़िए, वो आप देख लें। गुड, तो हम अगर आपकी स्किल्स से फ़ायदा उठाना चाहें उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि जो भी बच्चे आपके मदरसे के जिनकी इंग्लिश कुछ बेहतर है, इंटर तक किया हुआ है, मैट्रिक इंटर है, तो उन सबको बल्कि अलग अलग अप्लाई करने के बजाय आपकी टीम है वो हमारे साथ रब्ता कर लेगी, तो हम उनको बजाय इसके वो अलग अलग अप्लाई करें, आप पूरी ईमेल एड्रेस दे दें सब बच्चों के लेके, हम उनके ईमेल एड्रेस पर पूरा लिंक और सारी वीडियोज़ की फ्री में जी जी बिल्कुल फ्री। माशाल्लाह, तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो? नहीं, गूगल ट्रांसलेशन का लाइव कम्युनिकेशन घोड़े से बात करनी है, बात करनी है, बात तो खैर फ़ोन पे तो कभी अमेजोन पे निस्वार भी बेची जा सकती है वैसे बेच रहा है एक बंदा मैंने देखा है जी जी, एक दफ़ा आप अगर गोरों को लगा दो ना निस्वार पे जी जी, करोड़ों रुपए का बिजनेस है फ्री है पाकिस्तान से अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान, इंडिया और ये जो एशियाई कंट्रीज़ हैं, इनको तो अल्लाह ने हर तरह की चीज़ों से माला माल किया है। ई कॉमर्स का फ़ायदा मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होगा कि गरीब मुल्क की आवाम अमीर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ शहद बहुत वाफर मकदार में पैदा होता है जी। अब जैसे ये बता रहे थे कि बहुत से लोग फूल की पत्तियाँ सिर्फ फरोख कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हमारे यहाँ जायके वाली हैं वो वहाँ नहीं हैं, बहुत से फल ऐसे हैं। बिल्कुल, तो ये एक नेचुरल मेरा ख्याल है एक तिजारत होगी बिल्कुल, जिसमें लोगों की जो हुकूमतों की खामखा की एक दखलंदाजी होती है उससे लोग आज़ाद हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है ना इसके। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर लोग जो आपने बात की ये चीज़ें भी हैं, फिर हैंडमेड चीज़ें पाकिस्तान की है ना, तो उसके अंदर इट्सी एक मार्केट है ई कॉमर्स की जिसके ऊपर हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी बिकती हैं, तो पाकिस्तान से लोग स्टोन बेच रहे हैं, हैंडमेड चीज़ें बेच रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, मतलब ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ईबे है, इट्सी है, अमेज़ॉन है, फिर अमेज़ॉन की स्किल्स हैं, अमेज़ॉन पर सेल करना है, इट्सी की स्किल्स हैं, पाकिस्तान में दराज है, लोग दराज पर बेचना चाहते हैं उसका भी हम बच्चों को गाइड करते हैं कि आप अच्छा ये अमेज़ॉन पर ये तो नहीं होता, मैंने एक दफ़ा मंगवाई वो पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं, कुछ चीज़ मंगवाई तो सिर्फ डब्बा आया वो पाकिस्तान में होता है, अमेज़ॉन पे भी होता है नहीं, अमेज़ॉन पाकिस्तान में पाकिस्तान से आईडी बनती है हाँ। लेकिन हम बेचते हैं अमेज़ॉन यूके या अमेज़ॉन अमेरिका पे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक आती है, नहीं वहाँ पे प्रोडक्ट आती है, और जस्ट इन केस अगर डब्बा आ जाए आप अमेज़ॉन को एक कंप्लेन करते हैं, अमेज़ॉन उसी वक्त आपको फौरी रिफंड करता है। अच्छा, फुली रिफंड वो कर देगा आपको। उसके बाद से तो मैंने कभी कोई चीज़ इंटरनेट पर मैंने परचेजिंग की नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में दो दफ़ा मेरे पास सिर्फ डब्बे आए थे। ठीक, अच्छा माशाल्लाह, आपसे अब नंबर मैं ले लेता हूँ और आपसे जितना मुझे मैं फ़ायदा उठा सका मैं तो कम से कम इंशाल्लाह उठाऊंगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल करे, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिल के। मुझे अहमद भाई ने स्पेशली कहा था कि आपसे लाजमी मुलाकात करनी है। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, जज़ाए खैर दिया, इतनी मसरूफियात होती हैं आपकी, और ज़ाहिर है जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो फिर उसमें सवालात जी बिल्कुल ऐसे ऐसे सवालात, इसी के लिए हम जगह जगह जाते हैं ना, वीडियोस तो हम एक दफ़ा दे देते हैं, फिर मुख्तलिफ शहरों में इसलिए जाते हैं कि बच्चों के जो सवाल आते हैं वो नोट करके ले आते हैं, और इसके अलावा हम वीकली या टू वीक्स बाद लाइव सेशन भी करते हैं फेसबुक पे, कि जिन बच्चों ने वीडियोस देख लिए हैं या देख रहे हैं उनके जो सवाल आते हैं वो फिर हम उनको आंसर करते हैं। सही, माशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कितने स्टूडेंट्स होंगे दीनी मदारिस के जिन्होंने आपकी इन लेक्चर से फ़ायदा उठाना प्रॉपरली शुरू कर दिया है? ये अभी हमने क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट किया महद में, तो जो मैंने बताया पीर ज़ुल्फ़िकार साहब के इदारे में, तो रेगुलर हम वीकली क्लासेस दे रहे हैं, तो इसी तरह अगर किसी भी मदारिस के और बच्चे जो कुछ इकट्ठे हो जाएं और वो हमें कहें कि आप हमें रेगुलर क्लासेस दे दें ऑनलाइन, तो हम उन्हें वो क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, मदारिस के बच्चों के लिए हम खासतौर पर ये फ्री काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा,
اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول کرے. اور بھی کوئی آپ اس بارے میں مجھے, کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں بالکل زیرو, تو سوال پوچھنے کے لیے بھی کچھ پہلے سے معلومات ہوتی ہیں تو سوال ذہن میں آتے ہیں, تو میرے سوال کا آپ انتظار نہ کریں. ٹھیک ہے, جو آپ اس میں مجھے اچھی نالج دے سکتے ہیں وہ آپ ویسے. ماشاء اللہ آپ نے جو چیزیں پوچھی ہیں یہی بنیادی چیزیں, کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فری لانسنگ کر کے پیسے کما لے گا, جس کے پاس پیسے ہیں تھوڑے سے وہ اپنے پروڈکٹ آن لائن بیچ کے پیسے کما لے گا, تو اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. باقی جو جو آپ کے سوال پیدا ہوں گے ہم ان شاء اللہ اس کو آنسر کرتے رہیں گے آپ کے لیے. اور کیا خدمت کریں ہم آپ کی, بس آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پوچھیں. اس میں ایک یہ بھی ہے, جیسے دو بندے مل کے ایک کے پاس پیسے ہیں اور ایک کے پاس اسکلس ہیں, تو دونوں مل کے بھی اس میں کام کر سکتے ہیں, تو اس سے بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مضاربت اسی کو کہتے ہیں. جی جی, کہ ایک آدمی کا پیسہ ہے دوسرے کی مہارت ہے. جی جی, مہارت اور محنت ان سے, کیونکہ یہ الحمد للہ ہمیں پہلے سے جانتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, تو آج کل تو میرا خیال انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے لوگ, یہاں سے چیز اٹھائی ادھار پہ اور ادھر کیش پہ بیچ دی, یہاں سے پیسے آئے اور جس سے خریدی اس کو دے دیے, اس طرح بھی چل رہا ہے بہت. لیکن امیزون پہ کیونکہ ہمیں پراپر پروڈکٹ ہنٹنگ ایک فیز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بیچنا ہے, امیزون پہ پوری ورکنگ کر کے وہ ہمیں پہلے خریدنی پڑتی ہے. اچھا, جو بیچنے والے لوگ ہیں ہم چائنا سے وہ چیز پہلے خریدتے ہیں اپنے قبضے میں لے. اچھا, اس میں اسی سے مجھے ایک سوال ذہن میں آیا کہ اکثر انٹرنیٹ پہ جو خرید و فروغ کا عمل ہو رہا ہے, اس میں حلال و حرام میں بھی بہت تھوڑا سا باریک فرق ہے. جی, کیونکہ احادیث میں ہے کہ جب تک آپ کسی چیز میں قبضہ نہیں کیا آپ آگے اس کو فروغ نہیں کر سکتے. جی جی, تو یہ بھی لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر خریدا اور ابھی آپ کو وہ ڈلیور نہیں ہوا, یا آپ نے الگ سے اس کو الگ نہیں کیا, بلکہ وہ جس سے آپ نے خریدا ہے اسی کے پاس پڑا ہوا ہے وہ, اور فوراً آپ نے آگے فروغ بھی کر دیا, تو شرن تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس ماڈل کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سستا بک رہا ہے کہاں پہ مہنگا بک رہا ہے, آپ سستے والے سے خریدتے ہیں, اور جب مہنگے والا آپ سے خرید لیتا ہے چیز آپ کے پاس نہیں آیا ابھی, آپ سستے والے کے پاس جاتے ہیں اس کو اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ بھیج دو, اپنے پیسے کما لیتے ہیں. یہ ڈراپ شپنگ ہے, اس میں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں ہم اپنے پہلے انویسٹمنٹ لگاتے ہیں, ہم $10,000 یا $20,000 کا وہ سامان خرید لیتے ہیں, وہ ہماری ملکیت ہو جاتا ہے. ہماری ملکیت میں آنے کے بعد وہ چائنا سے یو کے جاتا ہے امیزون کے ویئر ہاؤس پہ, اور پھر ہم اس کے مالک ہیں اس پروڈکٹ کے. امیزون اس کو بیچے گا, اس میں دو ہفتے بعد ہماری جتنی سیل ہوئی ہوئی پیمنٹ ہمیں آ جائے گی, تو اس کے اندر الحمدللہ شرعی طور پہ کوئی ہاں یہ کا بات نہیں ہے. صحیح, تو آپ یہ شرعی لحاظ سے ایسا کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کا کام کا طریقہ کار ہی یہی ہے؟ ہمارے کام کا طریقہ کار ہی الحمدللہ ایسا ہے, تو اس میں جب جس کو ہم امیزون ایف بی اے پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنا, وہ آٹومیٹکلی شریعت کے دائرے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ خریدے بغیر آپ پرائیویٹ لیبل بیچ. کیا کیا چیزیں امیزون کے ذریعے بیچی جا سکتی ہیں؟ دنیا کی ہر زمین چیز بھی کوئی ایسی پروڈکٹ جو یعنی موویبل ہوتی ہے, جس طرح اشیاء منقولہ. ہاں جی, فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو یہاں سے وہاں جا سکتی ہیں. جی جی, اس کے اندر پاکستان سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ اچھی بکتی ہیں, سرجیکل پروڈکٹس اچھی بکتی ہیں, پھر کھانے پینے کی اشیاء بھی بکتی ہیں. کھانے پینے کی بکتی ہیں, ہمارے یہاں گھی لوگ بہت بناتے ہیں گھروں کے اندر, دیسی گھی. گورے تو میرا خیال نہیں ہے ان کے یہاں یہ کیوی کا, لیکن جس طرح شہد وغیرہ ہے, اور بہت ساری امیزون نے بھی پلیٹ فارم شروع کی ہے الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ, تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی بکتی ہیں ساری. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. سر, یہ جو بچوں کو سکھا رہے ہیں جیسے ہینڈز آن ایکسپیرینس کا بھی بڑا مسئلہ ہے نا, گروپ میں بھی مسئلہ ہے, تو مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے انٹرنشپ یا؟ بالکل ایسا سلسلہ اپنا سر جہاں پہ آفس ہے ہمارا, جیسے لاہور کراچی وغیرہ میں. ہاں جی, وہ ہاں وہ آفس بیسڈ ہے, ہینڈز آن کی نہیں تو زیادہ ہے, یا ہینڈز آن آن لائن بھی ہے, لیکن وہ پھر پراپر کلاسز ہیں, لائیو کلاسز جو ریکارڈیڈ لیکچر ہیں اس پہ تو ہینڈز آن. اس میں اندرون ملک بھی لوگ خرید یعنی بیچ سکتے ہیں؟ اندرون ملک بیچنے کے لیے دراز ہے ہمارا پلیٹ فارم. اچھا, دراز پہ بیچیں گے. امیزون پہ بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے امیزون پاکستان میں مارکیٹ پلیس کے طور پہ نہیں ہے, تو پاکستان سے آئی ڈی بنتی ہے امیزون کی, لیکن بیچیں گے آپ امیرکا میں یا برطانیہ میں. اچھا, ہاں, اگر اندرون ملک بیچنا ہے تو چیزیں پہنچائیں گے کیسے وہاں, کیا طریقہ ہے؟ یہ ہم جس سپلائر سے سامان خریدتے ہیں نا, ہم اس کے ساتھ پہلے ڈیل بناتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ریٹ دینا ہے, ڈی ڈی پی اس کو بولتے ہیں, کہ ٹوٹل ہمیں اس ویئر ہاؤس تک کی کاسٹ بتائیں کہ ہمیں یو کے میں ہمارے ویئر ہاؤس میں سامان چاہیے, تو وہ پھر ہمارا سامان بائی سی یا بائی ایئر, اگر ہلکا ہو تو بائی ایئر,
वजनी हो तो वो बायर महंगा पड़ता है, उसको बाय सी पे भेजते हैं और वो अमेजोन की वेयरहाउस पे पड़ा होता है यूके में। अब दिल्ली के जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो अमेजोन उसका जिम्मेदार अमेजोन होता है, यानी उसको ज़ाया होने का या उसके जी वो अमेजोन की वेयरहाउस पे पड़ा।